अरे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं। और पिछला जो हमारा वीडियो चल रहा था वो वीडियो था आपके कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी से संबंधित था। और उस साइटोलॉजी के अंदर अगर हम टॉपिक को कैरी ऑन करें तो लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया था वो था कोशिका भित्ति के कार्य या फंक्शन ऑफ सेल वॉल, जो इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है और मैं इसे कंप्लीट करता हूं, सुनिएगा। देखो, कोशिका भित्ति के कार्यों में मेन कार्य क्या क्या हैं? पहला, आकार व आकृति का निर्धारण। आकार, आकृति, शेप एंड साइज, का डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन ऑफ शेप एंड साइज। मान लो कोई भी कोशिका है। देखो, पहली चीज तो हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं है। तो पादप कोशिका, मान लो ये कोई कोशिका है, उसका आकार गोल है, तो गोल क्यों है? क्योंकि उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति गोल है। अगर कोई कोशिका लंबी है तो लंबी क्यों है? क्योंकि उसके चारों तरफ वाली कोशिका भित्ति भी लंबी है। फिर उसका आकार के अलावा उसकी साइज कैसी हो रही है, लंबी है, छोटी है, जैसी भी है, वो किसके कारण होगी? केवल और केवल कोशिका भित्ति के कारण। तो कोशिका भित्ति का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट कार्य है कि आपकी कोशिका का आकार व आकृति का डिटरमाइन करना, निर्धारण करना कि वो कोशिका कैसी होगी। फिर हम दूसरा, अगर कोशिका का मुख्य कार्य बात करें तो मजबूती या मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखो, हम कोशिका भित्ति के पदार्थों की बात कर चुके, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति, और उसके अंदर हमने मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बात करी, प्राथमिक भित्ति वृद्धि विस्तारण के लिए बात करी, तो द्वितीयक भित्ति जो थी वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक मजबूती के लिए बात करी। तो कोई कोशिका यदि मजबूत है, स्ट्रांग है, उसकी पकड़ अच्छी है, तो वो मजबूत भी किस कारण होगी? कोशिका भित्ति के कारण। तो ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कार्य कि कोशिका जो है वो मजबूत किस वजह से होगी। तीसरा, अगर हम बात करें तो देखो, बाहर की तरफ है इसलिए कोशिका जो है वो सुरक्षा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन, सुरक्षा। अगर कोशिका भित्ति की चारों तरफ की बाउंड्री जो है, जिसे हम कोशिका भित्ति कह रहे हैं, बाहर से कोई भी पदार्थ उस पर प्रवेश करना चाहता है, एंट्री करना चाहता है, या किसी का रगड़ खा गई तो नष्ट करना चाहता है, तो सबसे बाहर क्या है? कोशिका भित्ति। वो उस पदार्थ से उसकी सुरक्षा करेगी, कोशिका की। तो सुरक्षा जो है अगला कार्य, वो कार्य अगला क्या होगा? सुरक्षा का। फिर इसके बाद हम अगला कार्य बात करें तो संवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? संवहन। मान लो एक कोशिका ये है और दूसरी कोशिका इसी के अड़ाकर के ये है, इन दोनों के बीच में ये इसकी कोशिका भित्ति है, पर इसके अंदर गर्त मिलेंगे, छेद मिलेंगे, और उन छेदों में आपके पदार्थों के परिवहन के लिए क्या उपस्थित होगा? प्लाज्मो डेस्मेटा, डेस्मेटा, जिसे हम हिंदी के अंदर जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। और ये जो तंतु हैं, इनके द्वारा पदार्थ इस कोशिका से उस कोशिका में जा सकता है या इस कोशिका से वापस आ सकता है। तो पदार्थ यदि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा रहे हैं, इधर उधर आदान प्रदान हो रहा है, तो वो भी किसके कारण होगा? कोशिका भित्ति के कारण। अगला टॉपिक परासरण। परासरण दाब संतुलन। परासरण दाब संतुलन, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक
प्रेशर कंट्रोल, जो कंट्रोल हो रहा है ओस्मोटिक प्रेशर का, परासरणीय दाब का, वो भी किसके कारण होगा? कोशिका भित्ति के कारण। कि मान लो ये एक कोशिका है, इसमें पदार्थ कुछ घुले हैं, ये कोशिका है, इसमें कुछ पदार्थ घुले हैं, तो दोनों के पदार्थों के घुलने के अंतर के कारण दोनों में परासरण दाब उत्पन्न होगा, और उसका बैलेंस या कंट्रोल कौन करेगा? चारों तरफ उपस्थित जो कोशिका भित्ति है वो इसका क्या करता है? बैलेंस करता है। तो मेरे द्वारा ये एक छोटा सा टॉपिक था, कोशिका भित्ति के कार्य, परासरण, पहला शेप साइज, दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तीसरा प्रोटेक्शन, चौथा ट्रांसपोर्टेशन, अगला ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? प्लाज्मो डेस्मेटा के द्वारा, जीव द्रव्य तंतु के द्वारा। मेरा ये छोटा सा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके पास अपडेट जरूर मिलता रहे। मेरा चैनल का नाम बायो गुरु इज ध्रुव। धन्यवाद।